गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। तो फाइनली इट्स माई लाइक सेकेंड डे है मेरा जो होटल में स्टे होता है अपना क्वारंटीन का उसका, और मेरे रिपोर्ट आ गए कोविड का एंड आई हैव टेस्टेड नेगेटिव। सो आई कैन चेक आउट फ्रॉम दिस होटल एंड मूव टू माई अदर प्लेस फॉर 14 डेज क्वारंटीन। तो वही मैं कर रहा हूँ, बस ऑल सेट, सब पैक कर दिया है मैंने, सब समेट लिया है, सब जो फैला हुआ था मेरा सामान मैंने निकाला था वो सब भर दिया है, और अभी मैं चेकआउट करूँगा थोड़े टाइम में, और मैं जाऊँगा ब्रैम्पटन जहाँ मैंने बेसमेंट रेंट किया है तो फॉर अनदर 14 डेज क्वारंटीन। और रास्ते में थोड़ा मतलब सिटी है टोरंटो वो भी देखूँगा, टैक्सी में बैठ के थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो फटाफट मैं शूज़ पहनता हूँ, वैसे सब कुछ पहन लिया है मैंने, शूज़ और जैकेट पहनना बाकी है, और बाहर -3 डिग्री हो रहा है तो ऊपर एक जैकेट डालूंगा, ये स्वेटशर्ट मैंने पहना हुआ है ऑलरेडी। सो फटाफट रेडी होके सूटकेस पैक करके निकलता हूँ। मैं जस्ट चेकआउट करके नीचे रिसेप्शन पे आया, सब जो बिल भी लेना था रिसिप्ट वो ले लिया, बट बाद में मैं उबर बुक कर रहा था तब यहाँ पे ओंटारियो में ऐसा लिख के आ रहा था कि दिस स्टेट डजंट प्रोवाइड यू कैश सर्विस, तो शायद वो लोग अभी कैश नहीं ले रहे। और फिर मैं जो इंडिया से मल्टी करेंसी कार्ड लेके आया था क्रेडिट कार्ड, वो भी ऐड नहीं हो रहा है अंदर उबर उसमें वॉलेट में। सो बाद में मतलब मेरी उबर बुक नहीं हुई, बट आई एम लकी दैट आई हैव माई ब्रदर हियर, सो इज कमिंग टू पिक मी अप। तो यस, आपको कोई लेने आ सकता है, बट उसके लिए आपका नेगेटिव रिपोर्ट आना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे होटल पे लेने आ सकते हैं आपके रिलेटिव्स, और जहाँ पे आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना है वो जगह पे आपको छोड़ सकते हैं। सो अभी मेरा भाई आएगा, तब तक मैं यहाँ पर नीचे बैठ के वेट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा उनको आने में। Thank you.
फाइनली आई एम एट माई 14-day क्वारंटीन प्लेस, और एक इंसिडेंट हो गया था अभी मेरे साथ। बट लकीली मेरे भाई यहाँ पे रहते हैं एक, तो मैंने उनको मतलब उनकी हेल्प ली। सो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था कि लाइक मैं पहले उबर बुक करने वाला था, उबर बुक करने वाला था होटल से यहाँ पे आने के लिए ब्रैम्पटन में। सो इट्स अबाउट 30 to 35 मिनट्स रूट। तो हुआ यूँ कि मैंने उबर इंस्टॉल की, सब कुछ किया, बट आई डोंट नो सम हाउ लाइक कैश पेमेंट, उधर बता रहा था कि लाइक दिस स्टेट राइट नाउ इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी कैश पेमेंट एंड लाइक यू कैन ऐड योर कार्ड। फिर मैं इंडिया से जो मल्टी करेंसी कार्ड लाया था वो ऐड किया, बट वो ऐड नहीं हो रहा था। पता नहीं 2-3 बार किया, एरर आ रहा था। देन आई कॉल्ड लाइक माई ब्रदर एंड लकीली ही वॉज बिजी, ही वॉज फ्री। देन ही केम टू पिक मी अप एंड ही ड्रॉप मी हियर राइट नाउ वेर आई एम, जहाँ पे मेरा क्वारंटाइन है। वो मेरे भैया का घर भी यहाँ से नज़दीक ही है, एक एक आध 1.5 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सो यस, एंड अभी दोपहर के 12:30 बज गए, और ऊपर से आंटी ने कुछ खाने के लिए लंच के लिए दिया है। सो यस, मैंने ये बेसमेंट पूरा मैंने बुक किया था, तो कितने में किया था और क्या है वो सब मैं एक सोच रहा हूँ सेपरेट वीडियो बनाऊँ, बेसमेंट टूर मेरा जो होगा, क्योंकि पूरे बेसमेंट में अकेला हूँ, और मैंने कैसे फाइंड किया ये, और 1 meal per day मेरे को मिल रहा है और चीप है, सही बता रहा हूँ, कंपेरेटिवली लोगों से जितने मेरे फ्रेंड यहाँ पे क्वारंटाइन हुए जो पिछले 1-2 महीने में आए हैं टोरंटो में, तो उनके हिसाब से मेरे को सस्ते में पड़ा है। तो मैं एक वीडियो सेपरेट बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये बेसिकली एक सिर्फ सिंपल ब्लॉग होगा, लाइक आई एम मूविंग फ्रॉम माई होटल टू ब्रैम्पटन। सो यस, अभी मैं थोड़ा लंच करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आज खाने में है राइस, दाल, रोटी और कॉलीफ्लावर की सब्जी। तो जो आप 3 दिन होटल में रहते हो वहाँ पे आपको खाने में मिलता है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज, और वो सब जो एक सब जो फास्ट फूड होता है, एक सैंडविच होता है, बर्गर, ये सब मिलता रहता है आपको। सो वहाँ पे आपको घर के खाने की और सिंपल खाने की बहुत याद आती है। तो आज है कॉलीफ्लावर, नॉर्मली मेरे को कॉलीफ्लावर पसंद नहीं है, मैं घर पे ज़्यादातर खाता नहीं हूँ, बट आज क्योंकि इतने दिनों के बाद इंडियन घर का खाना मिल रहा है प्रॉपर गुजराती स्टाइल, तो कॉलीफ्लावर ही सही। और आंटी ने मस्त घी वाली रोटी बनाई है, और दाल चावल और प्रॉपर घर का खाना है। सो आज मज़ा आएगा खाने में, आज सही मायने में मैं खाऊंगा, वरना हर उसको पेट भरने के लिए ही खाता था, बट आज आई विल एन्जॉय इट। दोपहर को लंच करने के बाद मेरी जो पिछले वाली वीडियो थी रूम टूर वाली, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो वो वीडियो मैंने वापस एडिट की, जो एक क्लिप थी ऐड की, और वापस उसको रेंडर किया और फिर अपलोड पे लगा के। मेरे को नींद आ रही थी, अभी तक थोड़ा जेट लैग चल रहा है, दिन में मेरे को नींद आती है और रात को नींद नहीं आती है, बट मैंने आज ट्राई किया कम सोने का। पिछले 2 दिन से मैं दोपहर को 1-1.5 बजे सो जाता था और रात को 11 बजे उठता था, बट आज मैं 4 से 5 या 5:30 तक ही सोया हूँ। तो मैं वीडियो अपलोड पे डालने के बाद मैं सो गया था थोड़ी देर, देन 6 बजे लाइक मैंने मेरे भाई के पास से ग्रोसरीज मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम मेरे को खाना प्रोवाइड करते हैं और एक टाइम मेरे को कुछ भी मतलब अपने आप बना के खाना हो तो खा सकता हूँ। सो मैंने कुछ नेसेसरी आइटम्स मैंने मंगवा ली थी मेरे भाई से, तो वो मेरे को देने आए थे 6 बजे, इसलिए मैं उठा उनके कॉल से। टोल्ड हिम टू बाई सम फ्रूट्स, सॉल्ट, शुगर एंड जूस, बिकॉज पिछले 2 दिन से मैं बहुत जंक फूड खा रहा हूँ, मतलब फुल ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज और वो सब, लाइक डेजर्ट में केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड ऑल दैट, तो बहुत कैलोरीज मतलब ले लिए, भी बहुत कैलोरी इंटेक हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले जो 14 दिन यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो मैं एक टाइम प्रॉपर खाऊँ और दूसरे टाइम कुछ फ्रूट्स खा लूँ या फिर छोटा मोटा नाश्ता कर लूँ, तो थोड़ी कैलोरी इंटेक कम होगा और मैं वर्कआउट भी चालू करूँगा। सो मैंने बोला था मेरे भाई को थोड़ा फ्रूट्स और वो सब लेके आना, और एक चीज़ मेन चीज़ मैं भूल गया, सॉल्ट शुगर सब कुछ मंगवा लिया, दूध मंगवाना भूल गया। बट लकीली जब मैं आया यहाँ पे, तो मेरे पहले जो रह रहे थे उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको मिल्क देने आए थे, 4 लीटर अंदर पड़ा है, तो वो दूसरे दिन वो बंदे को निकलना था, तो वैसे पड़ा है 2 दिन से अंदर फ्रिज में, बट फ्रिज में था तो अच्छा है, मैंने देखा, टेस्ट किया, सही है, बिगड़ा नहीं है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ अभी। तो अभी अभी मैंने चाय बनाई है, तो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं चाय बनाने से पहले जो चाय बनाने के लिए जो चाहिए 2 चीज़ वो ढूंढने के लिए क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली मुझे चाहिए थी चाय बनाने के लिए, तो ये जिसमें चाय बनती है, और ये
चाय निकालने के लिए, तो उसके लिए ये सिर्फ दो चीज़ ढूंढने के लिए हाल देखो क्या किया मैंने स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि हम लोग को यार आदत नहीं होती सब करने की, तो याद भी नहीं रहता इतनी जल्दी कहाँ क्या रखा था, तो सबको ढूंढना पड़ता है और फिर लास्ट में जाके वही बैग में से मिलता है जो पहली बार देखा, जो फर्स्ट टाइम हमने चेक किया होता है वो बैग में, वही बैग में से लास्ट में मिलता है। तो ऐसा सब सीन है। और अभी मैंने चाय टेस्ट की, मेरी बहुत बढ़िया बनी है, क्योंकि मैं इंडिया में बनाता था, वो इंडिया में जो अपनी जो शुगर होती थी वो मतलब जो सॉलिड वाले होती वो ऐसा शुगर होता था, बट यहाँ पे पाउडर शुगर है तो सब में वही यूज़ होता है चाय में सब में। तो हम लोग इंडिया में चाय में और वो समय पाउडर शुगर यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पे वही होता है। तो मैंने अंदाजे से डाल दिया था, मेरे को पता नहीं था मतलब कैसी बनेगी चाय, बट सही में अच्छी बनी है। इट नाउ इज़ 1 AM एंड आई एम डन विथ माई स्टडी, और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे पिछले 2 दिन से लगा आई वॉज नॉट स्टडिंग एट ऑल, क्योंकि बिकॉज ऑफ जेट लैग एंड बॉडी भी थोड़ी थकी हुई थी। बट नेक्स्ट वीक से मेरी मिड टर्म है, मेरे 4 पेपर बाकी है, 2 पेपर लास्ट वीक हो गए थे, ये वीक रीडिंग वीक थी। सो ये वीक रीडिंग वीक था, इसलिए लाइक आई डिसाइडेड टू फ्लाई टू कैनेडा दिस वीक, एंड नेक्स्ट वीक मेरे 4 पेपर है। सो आई हैव टू लाइक स्टडी नाउ, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड यस दैट्स वॉट आई वॉज डूइंग। सो आई एम जस्ट डन विथ इट, एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई रिज्यूमे फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। तो मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पे, उसके पास से मैंने रिज्यूमे मंगाया था, उसका मंगवाया था, तो उसका मतलब उसके रेफरेंस में मेरा अभी रिज्यूमे बनाऊंगा। और एंड आई एम ऑल्सो इन टॉकिंग टर्म विथ कपल ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर माई अकोमोडेशन आफ्टर 14 डेज क्वारंटी। सो ये सब आपको करना रहता है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये जो आपको टाइम मिल रहा है क्वारंटीन का 14 डेज का, जितना फ्री टाइम, तो घर पे बैठे बैठे रिसर्च करो और कॉन्टेक्ट्स दौड़ाओ, और ऑनलाइन रिसर्च करके थ्रू फेसबुक लाइक वॉट एवर सोशल मीडिया अकोमोडेशन फाइंड करो, पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढो, यही सब करना होता है, और यही सब एक लाइफ होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट की। मेरे चैनल पे ऐसे टाइप के वीडियोस आएंगे, लाइक कुछ डेली लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, और डेली लाइफस्टाइल जो है वो जो मैं आपको ब्लॉग्स के थ्रू दिखाऊंगा, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी दूंगा क्यों, और प्रॉपर मतलब एक जो होता है ना बैठ के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना, एक रिकॉर्ड करना, वो सब मेरे से नहीं होता है। तो मैं आपको मेरे स्टाइल में ब्लॉग्स के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पास करता रहूँगा, और लाइफस्टाइल भी शेयर करता रहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें जो गलती होती है मेरे से जो आपसे ना हो वीडियोस देख के, वो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रखती है। दैट्स प्रीटी मच इट गाइस फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड देन हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।